प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। बात करेंगे आज मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध गंगा सागर में लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सागर में पवित्र स्नान किया। हालांकि सुबह में भीड़ कम थी, पर 8 बजे के बाद धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी बढ़ गई। कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार भीड़ कम हुई है। साउथ 24 परगना प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार तक यहां पर 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे। इनमें से 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इस पवित्र स्थान में भीड़ से बचने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए ई स्नान प्रबंध के तहत देश भर के कम से कम 54,000 लोगों ने बंगाल की खाड़ी में गंगा के संगम वाले स्थल का पवित्र जल प्राप्त किया है। राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि ई स्नान सुविधा को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश के किसी भी हिस्से में रह रहे व्यक्ति को 150 रुपये के मामूली फीस पर पवित्र जल और प्रसाद भेज रही है। उन्होंने कहा कि अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में 54,000 लोगों ने अपने घरों पर ही गंगा के बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल का पवित्र जल प्राप्त किया है। हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु मकर संक्रांति के मौके पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए सागर द्वीप पहुंचते हैं। सागर द्वीप पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित है। श्रद्धालु गंगा सागर मेले के दौरान कपिल मुनि मंदिर में प्रार्थना भी करते हैं। यह मेला कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा समागम माना जाता है। कैलेंडर के अनुसार इस साल 14 जनवरी को सुबह 6:02 से लेकर अगले 24 घंटे तक पवित्र डुबकी लगाने का समय तय किया गया है। सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किया है कि तीर्थयात्री कोरोना नियमों का पालन करें और पवित्र डुबकी और कपिल मुनि मंदिर में प्रार्थना करने के बाद सुरक्षित अपने घर लौटे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।